नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 21 मई से पुनः स्टार्ट हो गई है और इसमें दूरदर्शन पर प्रोग्राम आते हैं बच्चों के लिए, और आपको बच्चों को इन प्रोग्राम की समय सारणी शेयर करनी होती है। तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत दिनांक 25/5/2021 को किस कक्षा का कौन का प्रोग्राम आएगा, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आप अपनी क्लास के बच्चों को ये प्रोग्राम शेयर कर दीजिए, और इसके साथ साथ आज मैं आपको चैनल नंबर भी बताऊंगा, क्योंकि सभी बच्चों के किसी के यहाँ फ्री डिश लगा हुआ है, किसी के यहाँ एयरटेल का लगा हुआ है, किसी के लिए टाटा स्काई का लगा हुआ है, तो उसके नंबर को बता देंगे। आप नंबर को भी बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि बच्चों को पता चल जाए किस नंबर पर प्रोग्राम उनका आता है। तो चलिए देखते हैं, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला दिनांक 25/5/2021 दिनांक मंगलवार। तो सबसे पहले देखते हैं, 9 से 9:30 बजे तक प्रोग्राम आएगा कक्षा 3 का हिंदी का, और इसमें सबसे पहले ये पाठ पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप कक्षा 3 को पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ शेयर करें। उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक कक्षा 3 का ही हिंदी का प्रोग्राम आएगा, इसमें क्या शक है, तो इसको आप बच्चों को शेयर करें, क्योंकि आप कक्षा 3 को अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों के दो प्रोग्राम आएंगे, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दो पाठ पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 10 बजे से 10:30 बजे तक कक्षा 5 का प्रोग्राम आएगा, हिंदी का ही मेरी शिक्षा। तो अगर आप कक्षा 5 को पढ़ाते हैं तो आप इनको शेयर करें। उसके बाद 10:30 से 11 बजे तक कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पढ़ाया जाएगा, चिर महान। तो आप अपने बच्चों को इसको शेयर करें। उसके बाद 11:30 से लेकर 11:30 बजे तक हिंदी का ही लोकगीत पाठ पढ़ाया जाएगा। तो लोकगीत पाठ अगर आप हिंदी को पढ़ाते हैं कक्षा 6 को, तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें, तो बच्चे इसको आसानी से प्रोग्राम को देख लेंगे। उसके बाद 12 से 12:30 बजे हिंदी का प्रोग्राम आएगा, सांप मुक्ति। तो इसको आप बच्चों के साथ शेयर करें। और सबसे लास्ट में 11:30 से 12:00 बजे तक हिंदी का ही प्रोग्राम आएगा, नीड का निर्माण फिर कक्षा 8 का। उसके बाद 12:30 से 1 बजे तक विज्ञान में अपराजिता, ये शायद गलत हो गया है, क्योंकि विज्ञान में अपराजिता तो कोई भी चैप्टर नहीं है, शायद ये हिंदी का ही है कक्षा 8 का, तो इसमें मिसप्रिंट है, तो इसको आप सही कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है विज्ञान में अपराजिता कोई भी पाठ नहीं है, ये हिंदी का ही होगा, तो इसे आप देख लीजिए, जिसके पाठ में है तो आप उसको शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ आपको बच्चों को चैनल नंबर भी शेयर करने हैं, जैसे DDUP पर ये प्रोग्राम आते हैं, अगर बच्चों ने फ्री डिश लगवाई हुई है उनके घर में तो 63 नंबर पर ये प्रोग्राम आएगा, और अगर उनके घर में डिश टीवी लगा हुआ है तो ये 211 नंबर पर आएगा, और अगर D2H लगा हुआ है तो 389 इस नंबर पर ये प्रोग्राम आएगा, और अगर टाटा स्काई बच्चों के यहाँ पर लगी हुई है, ये भी आप इसको शेयर कर दीजिए, टाटा स्काई लगी हुई है तो 160 नंबर पे ये प्रोग्राम आएगा, और अगर एयरटेल लगा हुआ है तो एयरटेल में ये 400 नंबर पे प्रोग्राम आएगा, और इसके साथ साथ अगर सन डायरेक्ट लगा हुआ है तो 644 नंबर पर ये प्रोग्राम आएगा। तो आप इनके नंबर भी बच्चों के साथ शेयर करें प्रोग्राम के साथ साथ, ताकि बच्चे इनको आसानी से देख सकें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, जो भी है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर बच्चे को शेयर कर दीजिए। मैं इसको एक बार फिर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।